एक ऐसे रिकॉर्ड बनाए साथियों, हमें उस पर फक्र है, हमें आप लोगों के पर फक्र है साथियों। ठीक है, हम हमारे साथ अन्याय हुआ, एक बार नहीं अन्याय हुआ। हमने 14वें पार्टी के झंडे को संभाला और एक आदमी का नाम लेकर के लगातार पूरे प्रदेश के अंदर पहले शख्सियत हम है जिसने एक आदमी का नाम लेकर के पूरे हल्के के अंदर एक अलग जगाई और वो अलग जग करके पूरे जिले के अंदर एक जोत बनी पूरे प्रदेश के अंदर साथियों। इसका नाम साथियों, आप लोगों ने सदैव हमें हौसला दिया, ताकत दिया। लेकिन मैं आपका वारी हूँ, मैं तो अपने परिवार के लोगों से कह रहा था कि हमारे पास आगे खेलने के लिए कुछ नहीं। उन्नी में हमारे साथ भी अन्याय हुआ, फिर हमारे साथ अन्याय हुआ और बार बार हमारे साथ अन्याय हुआ। या तो हमारा कसूर बताओ, हमारी गलती क्या है? हमने किसी को गलत कहा? हमने कभी किसी को गलत नहीं कहा। हमने सदैव सबका सम्मान किया, सबकी इज्जत करी, चाहे कोई किसी भी पार्टी का था किसी की। हमने अपने लोगों का सम्मान किया, लेकिन साथियों हमारे साथ अन्याय हुआ है। और इस अन्याय के अंदर हम ये चाहते हैं कि देखो, हमारे पास शक्ति बर्दाश्त करने की नहीं है। हमने फैसला कर लिया था, रात हमारी मीटिंग हुई थी, हम इस राजनीतिक क्षेत्र से दूर चले जाएंगे। ना हमारे अंदर हिम्मत है, ना हमारे, हम बिल्कुल खत्म हो गए, बिल्कुल हमारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, सड़क पे आ चुके हैं। हमने सब कुछ इसी पार्टी के लिए 11 साल के जो 11 साल था उसके लिए हमने सब कुछ लगा दिए गए। हमने लोन लेकर के भी हमने ये नहीं कभी सोचा है कि हमारे नेता का सम्मान होना चाहिए, उनका झंडा ऊपर रखना चाहिए, और हमने झंडे को ऊपर रखा। लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ, धोखा हुआ साथियों। और मैं आपसे एक अपील करता हूँ, देखो आप लोगों ने सदा मेरा साथ दिया, मैं ऋणी हूँ आपका, भारी हूँ। इस जन्म में साथ ना उतार सको साथियों, कभी मौका मिला अगले जन्म में आपको मैं आसान बांधने का काम करूंगा साथियों। तुम आगे बढ़ो साथियों। तो साथियों मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा अपना मन है, मैं सवेरे पिंकी छप्पर को कह रहा था कि अपने बस की बात नहीं रही है, बहुत लुट गया, बहुत परेशान हो गया। तो साथियों मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और एक बात है, चुनाव की भी साथियों ने बात कही है, मैं देखो मेरे पास कोई ताकत नहीं। मैं तो एक मत पूर्ण हो जाऊँ तो मेरा कसूर क्या है, मेरे परिवार का कसूर क्या है? मैं सबसे पहले अपने परिवार को हाजिर नाजिर मानकर कसम खाता हूँ कि तय दिन से भाई साहब के साथ चुनाव लड़ूंगा, चाहे मेरा सब कुछ बिठो, पर भाई साहब को पीछा नहीं रहने दूंगा साथियों। ऐसा ही लक्ष्य आप लोगों का होना चाहिए साथियों। भाई साहब जी हम आपके साथ हैं, बिल्कुल देखो हमारे भी दिन भरोसा है। आप लोगों को पूछते हैं कि भाई साहब को इलेक्शन लड़वाया जाए या न लड़वाया जाए, आप लोगों की जय हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथी भाई, जिस प्रकार से हमारे सरपंच साहिबान ने कहा, हल्का सडौरा हाई ब्रिज पर छप्पर के साथ है, मैं ऐलान करेंगे कि भाई ब्रिज पर छप्पर के साथ है सारा हल्का सडौरा। भाई ब्रिज पर छप्पर तुम आगे बढ़ो। साथी हम तुम्हारे साथ हैं। भाई ब्रिज पर छप्पर तुम चुनाव लड़ो। भाई ब्रिज पर छप्पर तुम आगे बढ़ो। साथियों आज आप उस मोड़ पे खड़े हो, न पीछे हट सकते हो, वो पीछे हटने का सवाल ही पैदा होता। पीछे तो गए 28 साल है, पीछे पिछड़े गए हो। अब ऐसा मौका आया है इन बेईमान पार्टियों को, अपनी ताकत दिखा दो, अपने हौसले दिखा दो। ये नहीं करना यहाँ हो
बैठे घूम रहे, जिसे भी लगना ईमानदारी के साथ लगना है, कोई भी लड़का धोखा नहीं देगा, जिसे जाना अभी जा सकता है, विश्वासघात बहुत हो चुका।